हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं इस वक्त अपने घर के टेरेस पे हूं और ये मेरे घर का बाहर का हिस्सा है। आज चौथा रोज़ा है और मैं अब किचन की जाने बढ़ रहा हूं। हम आज व्लॉग बनाने वाले हैं और ये मैं एंटर हो गया हूं अपने घर में और सीधा किचन में जाएंगे और देखेंगे बेगम साहिबा क्या करिए, क्योंकि आज जो है ना वो एक्चुअली हमारे घर में एक बड़ा मज़ेदार सीन है। और वो सीन ये है कि जी, हमने आज अपनी लैंडलॉर्ड्स जो हैं, आंटी जो हैं, वो उमरा करके आई हैं, तो उनको हमने इफ्तारी पे बुलाया। और इफ्तारी पे जब हमने उनको बुलाया है तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हेलो, ये जी वो सस्ता व्लॉगर जो हर मेरे व्लॉग में घुसा रहता है हमेशा। अच्छा, तो ये क्या बन रहा है? ये बताएं बेगम। ये फ्राई हो रहे हैं स्प्रिंग रोल्स। अरे भाई, आपने घर में खुद बनाई है? सबको बताएं। यस। अरे वैसे तो वैसे हम लोग यास्मीन्स किचन पे ऑर्डर देते हैं, लेकिन ये हमने खुद बनाए थे। लेकिन यास्मीन्स किचन का खाना डेफिनेटली हम ऑर्डर करने वाले हैं, उसका व्लॉग लाजमी होगा। तो यास्मीन्स किचन के बारे में बता रहा था। एक्चुअली स्नैपचैट से वीडियो कर रहे होते तो वो कट जाता है बीच में। तो यास्मीन्स किचन का खाना जो है वो हम डेफिनेटली खाने वाले हैं, उसका भी एक हम बकायदा वीलॉग करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कितने मज़े का है। मेरे इस वक्त मेरे व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स मौजूद है कि यास्मीन्स किचन की जो रेट्स हैं वो क्या, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल जी, हमारे घर आज दावत चौथा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे तो बिल्कुल रोज़ा फील ही नहीं हो रहा। लेकिन कुछ लोग हैं दुनिया में, इस घर के अंदर भी, जिन्हें दूसरे रोजे से रोज़ा ही लगा जा रहा है, भूख लग रही है। ये क्या हो रहा है भाई? ये है पकौड़ी। अरे वाह भाई वाह, पकौड़ों का मसाला है और अभी हम ट्राई करेंगे ये मजेदार से पकौड़े बाय बीनीज। अरे वाह, बाय बीनीज ये पकौड़े जो है अभी आप खाने वाले। और इसके अलावा मेरे पास मेन्यू में क्या आया हुआ? इसके अलावा हमारे पास समोसे हैं, आलू की चिप्स हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं, पकोड़े हैं, फ्रूट चाट है, शरबत है, और ये नगेट्स भी है, राइट? नगेट्स भी है, वो मैं भी ट्राई करूंगी। और ये हमने चिकन पुलाव का जबरदस्त सा मसाला रेडी कर दिया है। सो मुझे भी फ्राइंग के काम पे लगा दिया गया है और इसे पलटने का काम मुझे दिया गया है। वैसे आई एम अ वेरी गुड कुक, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको मालूम है कि खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस व्लॉग को देखने के बाद कहेंगे हमें तूने कभी नहीं खिलाया। तो ये मुझे शायद मेरे मत्थे भी लगेगी ये चीज़, लेकिन फिर भी आई एम अ वेरी गुड कुक। ये है जी पुलाव का मसाला, चिकन पुलाव बन रहा है और ये उसका मसाला है। अब आप मुझे बताएं आपको खुशबू कैसी आ रही है, क्योंकि देखने वालों को तो नहीं ना आ रही। खुशबू बहुत मज़ेदार है, लेकिन मैं चूंकि रोजे से हूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं बर्दाश्त करूँ और मैं कोई ऐसी बात ना करूँ। भाई अपना अपना ईमान है, ये जिनको भूख लगी जाती है उनको खुशबू भी तेज आ रही होती है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आराम से खुले रोजा, कोई मसला नहीं है। इट्स ओके अल्लाह जी, आप आराम से जो टाइम है उस टाइम पे खुले तो ज्यादा अच्छा। बाल संवरते हुए देख लिया लोगों ने आपको। अच्छा बताएं ये शरबत का तरीकेकार क्या 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 डाला है पानी के अंदर, क्या आप ये जादू टोने कर रही हैं? पानी के अंदर पहले मैंने ना चीनी डाल के अच्छे से मिक्स की है, उसके बाद मैंने एक बड़ा सा मोटा सा लेमन डाला है, बड़ा रसीला सा था ये। मोटे वाली बात मुझे पसंद नहीं आई आपकी। और ये उसका पल्प है। और अब मैं डालूंगी अपने बचपन का लाल शरबत, जिसको मैं हमेशा बचपन में सुनती आती थी, लाल शरबत टाइम नहीं। अच्छा, हम भी बचपन से रेडियो कर रहे हैं तो रेडियो पे हमें रूह अफ़ज़ा हम बोल नहीं सकते। तो हम लोगों को जब कोई रेसिपी बताते हैं या रोजे की, रमजान की इफ्तार की बात होती है, तो हम ये कहते हैं कि जी लाल शरबत का जो मजा है ना वो किसी में भी नहीं है। लेकिन नाम नहीं लिया जा सकता, ऑब्वियसली रेडियो पे हम नाम नहीं ले सकते। ओके जी, अब हमने रूह अफ़ज़ा डाल दी और अब मैं डालूंगी ये मिचेल्स का लेमन। ये मिचेल्स का जो लेमन है ना, ये फेवरेट है मेरा। अच्छा, ये हम क्यों डालते हैं जब हमने लीमू डाला हुआ? तो इससे जो जायका आता है ना, ओए होए होए, सीरियसली है ना। और बाकी हम अभी से नहीं, हम तकरीबन तीन चार कोविड में, मुझे याद है कि हमने कोविड में जब ग्रोसरी की थी रमजान की, तो तब हमने जो है वो ये मिचेल्स की बॉटल ली थी और ये हमने ये डालते क्योंकि लीमू नहीं मिल रहे थे। और ये अब विदाउट रूह अफ़ज़ा अगर सिंपल ये लेमन जूस भी बनाते हैं ना, तो ये इतना यम्मी है, मैंने इतना अच्छा लेमन जूस कभी नहीं पिया। वाओ जबरदस्त। तो ये हो गया जी मजेदार लाल शरबत तैयार, क्या बात है, जबरदस्त। ओके जी, सो आप हमारा किचन देख रहे होंगे। किचन हमारा थोड़ा सा जो है वो बेचारा मतलब आप कह सकते हैं हम किचन पे कॉम्प्रोमाइज मेरी बेगम ने कभी भी नहीं किया। जब भी हमने कहीं घर मूव किया है, शिफ्ट किया है, तो कभी भी किचन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। लेकिन इस बार लोकेशन हमारे घर की इतनी अच्छी थी, क्यों? पूरा घर भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, इसीलिए हमने इस बार किचन जो है ना उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। पर इट्स ओके, जब आप अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं तो फिर आपको अच्छा किचन जो है वो लगता है। फिर तो इस वजह से हमने जो है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। अच्छा, अभी हमें शिफ्ट हुए यहाँ पे, एक महीना भी नहीं हुआ पूरा, लेकिन हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ये किचन को भी थोड़ा सेट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो हमने घर सेट किया, फिर आपको पता है जॉब्स सब चीज़ें होती है, तो
जो नौकरी वाले लोग होते हैं उनके पास ना टाइम भी अच्छा, नहीं होता। नेक्स्ट व्लॉग में ना हम आपको अपना पूरा घर विजिट कराएंगे, हाँ, हमने कैसे सेट किया। बिल्कुल। सो और वो भी सिर्फ 2 दिन की मेहनत से। 2 दिन की मेहनत से हमने सेट किया था। यस, साथ मेरी प्यारी सी भाभी थी। हाँ, इनकी भाभी थी प्यारा था भाई। और इनका प्यारा तो नहीं है खैर, लेकिन भाई था इनका। अच्छा, टाइम इतना थोड़ा है अब इफ्तारी में, जिस हिसाब से ये आँच जल रही है, रोल पकने से रहे, फिर इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, तो हम इसकी आँच तेज़ कर लेते हैं बेगम को बताए बगैर। सो जल्दी जल्दी ये पक जाए तो फिर हम पकौड़े बनाएंगे, और फिर क्या बनाने वाले थे हम, समोसे बनाने वाले थे। सो लेट्स सी कि कैसे बनता। मैंने आँच इसकी तेज़ कर दी है थोड़ी, क्योंकि यार टाइम इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास, और अगर गेस्ट आ गए तो फिर ऑब्वियसली हमें जो है वो मुश्किल होगी। जो खुशबू आ रही है ना इस वक्त किचन में, कौन कहता है कि रोजा नहीं लगता। मुझे तो सही शदीद वाला जो ना फील हो रहा है कि जी अब बस जल्दी रोजा खुल जाए। और तो आपको कह रही थी। हाँ नहीं, वो ठीक है, आप कह रही थी, लेकिन ऑब्वियसली टाइम पे तो खोलना है। अच्छा, आप क्या कह रही थी, मैं पहले खोल लूं रोजा? नहीं, मैं ये कह रही थी कि भूखी लग जाती है, रोजा लगता है, भूख लग जाती, लाडियां हो रही है, भूखी लग जाती। अच्छा जी, ये रोल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा भी टाइम है ना, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा टाइम है, और ये जब हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर हम करने वाले हैं कुछ और फ्राई। सो हमारे साथ रहिएगा। कचरा फेंकने गया था मैं बाहर, तो दरवाजा ही बंद हो गया। अब रूहान आएगा खोलेगा।